nothing, absolutely nothing stays a secret when it happens in Bandra. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. But in today's episode, we're going to talk about megastar Salman Khan and Ayush Sharma's film Antim The Final Truth. Well friends, Bandra मुंबई का एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुचर्चित एरिया है, जो कि सभी लोगों को पता है। अगर आप बॉलीवुड के फैन हो, तो अगर आपको बैंड्रा नहीं पता तो आप क्या बॉलीवुड के फैन हो। वहाँ इंडस्ट्री के सबसे बड़े दो सुपरस्टार्स रहते हैं, SRK एंड सलमान खान। दोनों के घरों के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड व्हेन एनीथिंग हैपेंस इन बैंड्रा, सैंड्रा से लेकर डैंड्रा, सबको पता चल जाता है। एंड गाइस, कल सलमान खान एंड अंतिम की पूरी टीम बैंड्रा में स्थित एक मकान में शूटिंग कर रहे थे। एंड गाइस, टू द सरप्राइज, जैसे वो शूट करके बाहर निकले, हमारे जो मुंबई के पैपराजी है, जो कि हॉलीवुड के पैपराजी को टक्कर दे दे, कहां पहुंचोगे भैया इनसे बचकर। वो लोगों ने फोटोज खचाखच खींचना शुरू किया। बट फ्रेंड्स, शूट की लोकेशन भाई के घर से बहुत नजदीक थी, लेकिन उन लोगों ने गाड़ी का फॉलो एंड तक किया, राइट टिल ही रीच गैलेक्सी। एंड एंड में सलमान खान ने अपना जो आईफोन है वो खुद निकाल के उनकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। एंड गाइस, कल जैसे सलमान खान की गाड़ी निकली, उसके पीछे महेश मांजरेकर की गाड़ी निकली, लेकिन उसके पीछे जो गाड़ी थी उसमें थी इस फिल्म की हीरोइनी। यस फ्रेंड्स, अंतिम की हीरोइनी। एंड गाइस, बीइंग अ सलमान खान हीरोइन इज अ वेरी बिग थिंग। ओके गाइस, गर्ल्स ऑडिशंस देती हैं, लोगों की लाइनें लगती हैं लड़कियों की कि हमको सलमान खान की हीरोइन बननी है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड यहाँ पर महेश मांजरेकर ने सारी की सारी चीजों की जो कमान है वो अपने हाथों में ली है। ही वॉन्ट्स दिस फिल्म टू शेप अप एज ही वॉन्ट्स टू गिव आयुष अ वेरी गुड फिल्म। एंड इसी का कारण है पूरा का पूरा कास्टिंग महेश मांजरेकर जी के हाथ में छोड़ दिया गया है। इसी का कारण है नॉट अ वेरी बिग नेम बट अ ब्यूटिफुल फेस हैज बीन कास्टेड ऑपोजिट सलमान भाई इन अंतिम द फाइनल ट्रूथ। बट फ्रेंड्स, जो हीरोइन है सलमान भाई के ऑपोजिट कास्ट की गई है, हर नेम इज प्रज्ञा जायसवाल। प्रज्ञा जायसवाल इज अ वेरी गॉर्जियस लेडी, आपके स्क्रीन पे उनकी तस्वीर देख सकते हो गाइस। ये बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, तेलुगु फिल्मों में इन्होंने बहुत काम किया है। एंड गाइस, यहाँ पे चिरंजीवी गारू के साथ भी उनकी एक फोटो है। ये चिरंजीवी जो करोड़पति करते हैं नागार्जुना, उनके साथ भी उनकी एक तस्वीर है जो कि काफी वायरल है। एंड गाइस, यहाँ पर एक फिल्म थी नक्षत्रम, इसमें भी इन्होंने काम किया है। शी मेड हर डेब्यू विथ अ फिल्म कॉल्ड एस कंचे, जिसको कृष्ण डायरेक्ट किया था, तो ये काफी पॉपुलर हुई थी फिल्म। ओम नमो वेंकटराया में इन्होंने डेब्यू भी किया है नागार्जुना के साथ, छोटा सा रोल था, ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस था। एंड गाइस, अब ये सलमान खान की हीरोइन बन जाती है। एंड फ्रेंड्स, शी इज गोइंग टू प्ले द फीमेल लीड ऑपोजिट सलमान खान। सो आफ्टर दबंग 3 अगेन सलमान खान इज वर्किंग विद अ फ्रेश फेस। एंड यहाँ पर ये कोई स्टार किड या कोई नहीं है, शी इज अ फ्रेश टैलेंट। एंड यहाँ पर हर नेम इज प्रज्ञा जायसवाल। ओके गाइस, प्रज्ञा जायसवाल एंड सलमान खान के बीच में इस फिल्म में रोमांटिक एंगल रहेगा। किस तरह से रोमांटिक एंगल आगे बढ़ता है एक सरदार कॉप और इसकी फ्रेंड के बीच में, ये हम फिल्म देखेंगे तब बेहतर पता चलेगा। लेकिन अब गाइस बात करते हैं इस फिल्म की दूसरी हीरोइनी के बारे में। तो गाइस, इस फिल्म के जो दूसरे कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली आयुष शर्मा है, जो कि इस फिल्म में गैंगस्टर बने हुए हैं। काफी रफ एंड रस्टिक लुक है उनका इस फिल्म में। एंड गाइस, उनके ऑपोजिट हीरोइन जो है वो उन्होंने इसी साल, मैंने एक वेब सीरीज देखी थी जिसका नाम था फ्लैश, एंड शी वॉज बैंग ऑन मैन। उनका परफॉर्मेंस फियर्स ही था, एकदम फायरी था। एंड शी हैज अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। ये पिछले 10 साल से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही है, कोई नया फेस नहीं। आई थिंक टीवी जगत के जितने भी लोग हैं उनको काफी अच्छे से पहचानते हैं। अभी रिसेंटली ही BB14 में, यस फ्रेंड्स, BB14 में शी वॉज विद सलमान भाई। BB13 में भी ये सलमान खान के साथ आ चुकी है। शुभ आरंभ करके इनका सीरियल था, कलर चैनल पे आता था। एंड गाइस, साउथ में भी इन्होंने अच्छी खासी फिल्में की है। एंड गाइस, हियर आई प्रेजेंट टू यू नन अदर देन महिमा मकवाना। यस फ्रेंड्स, महिमा मकवाना इज द फ्रेश यंग टैलेंट हुज बीन कास्टेड ऑपोजिट आयुष शर्मा। लास्ट वीक जब वाई पंचगनी महाबलेश्वर में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब महिमा मकवाना वहीं पर थी, शूट कर रही थी। मुंबई का भी स्केड्यूल था, तभी भी वो वहीं पर थी। बहुत दिनों से इन्होंने अपनी शूट कमेंस कर दी है, तो इनके आयुष के बहुत सारे सीन्स होने वाले हैं इस फिल्म में, अच्छा खासा पोर्शन ऑफ सीन्स होने वाला है। सो गाइस, टू हीरोइंस कन्फर्म्ड,
प्रज्ञा जायसवाल एंड महिमा मखवाना. प्रज्ञा जायसवाल सलमान भाई की हीरोइन होगी एंड महिमा मखवाना होगी आयुष शर्मा की हीरोइन. ओके गाइस, सो आज की क्लास यही समाप्त होती है. इस फिल्म में अन्य किरदारों में निकेतन धीर है, जीशु सेन गुप्ता है एंड गाइस सयाजी शिंदे है एंड गाइस रोहित है हल्दीकर, जिनको मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था अपने एपिसोड्स द्वारा. ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा. महेश मांजरेकर जी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एंड इस फिल्म की जो शूटिंग है वो फेब मिड या फेब एंड तक पूर्ण तरीके से रैप अप करने की कोशिश की जा रही है. अंतिम द फाइनल ट्रूथ विल रिलीज इन 2021. डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है. बकरी ईद की प्लानिंग चल रही है, नॉट कंफर्म, वरना जोकर लोग चालू हो जाएंगे कि आमिर अंसारी ने बोला बकरीद नहीं आया, प्लानिंग चल रही है. ओके गाइस, जब कुछ कंफर्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा. ओके गाइस, एंड दिस फिल्म विल रिलीज ओनली इन सिनेमा, फक्त सिनेमा घर मध्ये ही फिल्म रिलीज होणार. ही फिल्म फक्त मुळशी पॅटर्नचा अडॅप्टेशन आहे. पूर्ण कॉपी नाही केलंय त्याने फिल्म, फक्त अडॅप्टेशन आहे. द फिल्म इज नॉट कम्प्लिटली कॉपीड फ्रॉम मुळशी पॅटर्न, इट्स अन अडॅप्टेशन. द स्टोरी इज अडॅप्टेड फॉर द पॅन इंडिया ऑडियन्सेस. द फिल्म इज सेट इन महाराष्ट्र. इट्स मी अमर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून. टिल दैट, एज ऑलवेज, सर, स्टे कूल मैन.